तारक मेहता शो के सोडी वापस आ चुके हैं, लेकिन सोडी को पहचानना इस समय काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सोडी के चेहरे पर एक थकान है। उनके चेहरे की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है और वो काफ़ी थके थके से भी लग रहे हैं। अब कई सवाल ही उठता है कि आखिरकार सोडी इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तो वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि सोडी इतने दिनों से एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हुए थे। वो कई सारे गुरुद्वारों में गए, सबसे पहले वो लुधियाना, फिर अमृतसर, फिर इसके बाद और भी कई सारे गुरुद्वारे जिसमें सोडी रुके हुए थे। सोडी ने ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए किया, और जब सोडी को लगा कि अब उन्हें घर वापस लौटना चाहिए तो वो 17 मई को वापस आ गए। लेकिन इस दौरान पुलिस ने सोडी को ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सोडी उन्हें कहीं नहीं मिले। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि सोडी ने ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया, यानी पब्लिसिटी पाने के लिए सोडी ने ये सारा का सारा खेल खेला। क्योंकि सोडी को अगर ऐसे किसी जर्नी पर जाना था तो वो कम से कम घर पर बता के जाते, ताकि उनकी मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाई जाती और फैंस भी इतना परेशान ना होते। तो इस कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सोडी अगर एक जर्नी पर थे तो क्या उन्होंने थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं किया फ़ोन का? अगर वो फ़ोन का इस्तेमाल करते तो उन्हें उनके फ़ोन में मिस कॉल्स और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इसकी जानकारी होती। सोडी ने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? बहुत जल्दी सोडी इंटरव्यूज़ में इसका राज खोलने वाले हैं।